क्या आपको भी स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है और पब्लिक के सामने ना बोल पाने के कारण आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं? तो आज ही ज्वाइन करें रियल डायमंड के बेहतरीन स्टेज एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को और बनिए एक प्रखर और शानदार वक्ता। पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, अपने सपने साकार कीजिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल रियल डायमंड पर। दोस्तों, मैं राकेश और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। अगर आप किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, संस्था से या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो रहे हैं तो उस समय आपको क्या बोलना चाहिए, किस तरह से आपको स्पीच देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, स्पीच को हमें एक संदेश देते हुए और किस तरह से फीलिंग के साथ बोलना है, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। अकेले में हम अक्सर अपनी परछाई से डर जाते हैं, अगर साथ हो आपका तो समंदर भी तर जाते हैं। अकेले में हम अक्सर अपनी परछाई से डर जाते हैं, अगर साथ हो आपका तो समंदर भी तर जाते हैं। आपके साथ से जीवन खुशनुमा हुआ, बिछुड़ने के ख्याल से ही डर जाते हैं। आज वो घड़ी आ गई है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज जब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, तब मुझे असल में आपके साथ सहयोग और सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज की असल कीमत उसके खो जाने के बाद ही पता चलती है। मैं आज जो कुछ भी बोलूँगा वो अपने पद की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल और मन से बोलूँगा। खुदा ने अनेकों सहारे दिए पर आप जैसा सहारा ना दिया। खुदा ने अनेकों सहारे दिए पर आप जैसा सहारा ना दिया। आपको लाकर जिंदगी में खुदा ने जीवन पूरा किया, अब अधूरा ना रहा। मुझे याद आ रही है वो शुभ घड़ी जब मैं इस संस्था में आया। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैंने अपने परिवार में फिर से कदम रखा है। परिवार, प्यार, सहयोग, साथ जैसे गहरे और सच्चे अनुभव मैंने आप सब से सीखे। मुझे याद आती है मेरी कुछ गलतियां भी, जो इंसान होने के नाते हमसे अक्सर हो ही जाती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने में आपने जो भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ है। और हाँ, कई बार मेरा व्यवहार भी रूढ़ और नकारात्मक रहा, ऐसी परिस्थिति में भी आपका पहले की तरह प्यार करना मुझे आजीवन याद रहेगा। आज यहाँ से मैं अकेला विदा नहीं हो रहा, मैं साथ लेकर जा रहा हूँ आपके साथ बिताए हुए अनमोल पल, आपकी यादें, सब कुछ लेकर जा रहा हूँ। ये यादें ही तो है जो मुझे सहारा देगी। मुझे इस संस्था से जो सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति मिली, उसके लिए मैं आपका और परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने नेक दिल और ईमानदारी से कार्य करने की भरपूर कोशिश की। दोस्तों, हमें उस वक्त ईमानदारी और नेक दिल से काम करने की बेहद ही जरूरत होती है जब हमारे कार्य से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अनेकों लोग प्रभावित होते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और त्याग के रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पाते हैं। आज यहाँ से विदाई लेते समय आपसे यही कहूँगा कि मैं परंपरा को निभाते हुए इस संस्था से तो विदा हो रहा हूँ, लेकिन आपके दिलों से विदा नहीं हो रहा। आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूँगा। और अंत में एक बात और कहूँगा कि अगर कार्यकाल के दौरान मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे अपना भाई, मित्र, बेटा मानकर क्षमा कर देना। और इस पवित्र बेला पर हम अपने सभी मनमुटाव दूर करके एक दूसरे को गले लगाएं और उन्हें शुभकामनाएं दें। धन्यवाद।